नीतीश कुमार ने आज ही कहा है कि मर जाऊंगा पर बीजेपी के साथ टाई अप नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने 2015 में भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा, पर इन्होंने सत्ता सुख के लिए बीजेपी के साथ टाई अप भी किया, गठबंधन भी किया और एक करीब करीब 2-2.5 साल सरकार चलाए अच्छी तरह से, और फिर ये पलट लिए, पलटी मार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अब बोल रहे हैं कि मर जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा या फिर बीजेपी के साथ टाई अप नहीं करूंगा, ऐसा ही उन्होंने 2015 में भी कहा। हालांकि उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गया, बल्कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ टाई अप किया था, गठबंधन किया था, लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं जो कि इन चीज़ों को नहीं समझती है। बिहार के जितने भी नेता हैं ना, मैक्सिमम राजनीतिक, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि उनको बस सत्ता सुख से प्यार है, इसके अलावा और किसी चीज़ से प्यार होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो राजनीति वाले लोग हैं ना, इन पे कभी भी भरोसा ही नहीं किया जाना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि उनकी पार्टी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार पे अब, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए लोगों ने नीतीश कुमार को चुना था वो शायद अब पूरा नहीं हो रहा है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार यानी जो अब अलोकप्रिय, पहले लोकप्रिय थे लेकिन उनके लिए अब अलोकप्रिय, क्योंकि हो ना उनकी पार्टी से हट गए, इसलिए उनको अलोकप्रिय कहा कि नीतीश कुमार से हाथ मिलाने का सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। पर ये भी है ना, जितने भी हैं बीजेपी वाले भी, ये भी लोग सत्ता के भूखे हैं। जब नीतीश कुमार इनके साथ थे उस समय तो ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी हैं वो पेंडुलम की तरह दोलन करने वाले हैं, पेंडुलम समझते हैं, दोलन करते रहता है कभी इधर कभी उधर, पर रहेगा ये बीच में एक जगह खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि इसकी अपनी क्षमता है नहीं कि ये स्टेबल हो सके। नीतीश कुमार की भी स्थिति यही है। बाकी मेरा तो मानना है कि बिहार में जितने भी नेता हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां सब सारी पार्टियां होती ही सत्ता सुख के लिए, उनको पहले सबसे पहले सत्ता चाहिए, उसके बाद ही और कुछ चाहिए होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है जरूर बताएं, बेसब्री से इंतजार है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।